हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पहले स्टार क्लासेस पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि कैसे फंक्शनल मेगास्पोर 8 न्यूक्लियेट और 7 सेल स्टेज में कैसे बदल जाता है, कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे तो वही हमें पढ़ना है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक यानी परिपक्व पराकोष की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, कैसे उसमें डिवीजन होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम बात करते हैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस हमने बात किया था कि मेगास्पोर कैसे बनते हैं। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होता है। मियोसिस जानते हैं आप, रिडक्शनल डिवीजन बेसिक को कहते हैं। इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, हाफ हो जाता है। मतलब जो पेरेंट सेल होती हैं वो अगर डिवाइड करें, मियोसिस के हो रहा है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, तो एक से चार सेल बनती हैं, लेकिन दो स्टेज चलते हैं क्या, पहला मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। दूसरा जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना, उसी में द अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस्ड, जो डीएनए का मात्रा होता है वो आधा हो जाता है डॉटर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट चलती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। और जो मियोसिस सेकेंड चलती है उसमें क्या होता है, माइटोटिक मतलब सूत्री विभाजन जैसा होता है। तो देख लीजिएगा वीडियो, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ आ जाएगा वहां पे, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं ना, ये मोस्टली आपके ट्वीन होती हैं, डिप्लॉयड होते हैं ये, ठीक है। तो जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा बताइए, एक से दो सेल बनेंगी पहले, ठीक है, चलिए हम बना ले रहे हैं। ये वाला जो रीजन होता है इसी को बोलते हैं न्यू सेलस, और ये आपका कहलाता है माइक्रोपाइलर इंड या पोल, ओके। नीचे चलाजल है, जो आप मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो बीच में एम्ब्रियो सैक था, तो वही का ये स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यू सेलस थी, इनर इंट्रोक्यूमेंट था, आउटर इंट्रोक्यूमेंट था, तो उसके अंदर आपका एक मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती है जिसका प्लॉयडी लेवल 2n होता है। प्लॉयडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेल, ओके, द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेल। मतलब एक कोशिका में गुणसूत्रों का कितना सेट प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं प्लॉयडी, ओके। तो ये कई प्रकार का होता है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड, बहुत तरह के होते हैं मोस्टली। तो देखिएगा हम वहां पे बहुत तरह के होते हैं, देखिए यहां पे। तो जो मदर सेल है ये डिप्लॉयड होता है, इसकी प्लॉयड लेवल क्या होती है मेगास्पोर मदर सेल की, 2n होती है। जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा बताइए, एक केंद्रक यहां जाएगा और एक केंद्रक यहां, यानी दो सेल में डिवाइड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या बन गए, दो सेल। फिर उसके बाद फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड चलेगी, जब मियोसिस सेकेंड चलेगी तो एक से चार सेल बन जाती हैं। क्या कहा, मियोसिस फर्स्ट चलेगी यहां पे, तो मियोसिस सेकेंड जब इसमें चलेगी तो मोस्टली क्या होगा, एक से चार मेगास्पोर बन जाएंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार मेगास्पोर बन गए। तो जब मियोसिस सेकेंड हो जाती है तो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल एक आपके पास फंक्शनल बचता है, क्रियात्मक फंक्शनल बचता है, उसी को बोलते हैं क्रियात्मक फंक्शनल बचता है। जब एक फंक्शनल बचेगा तो इससे क्या बनना है, हमारा एक ही से मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनना है, यानी 7
सेल्ड एट न्यूक्लियस अवस्था आनी है, इसी से बनेगा तो एक से बन रहा, तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है पता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके तो अभी बताते हैं, तो यहां पे फंक्शनल जब बचा तो इसमें क्या होगा, चलिए मान लो एक बचा हमारे पास, तो यहां से देखिए, यहां से जब होता ना तो इसमें माइटोसिस होता है। देखिए हमने क्या बताया, तीन डीजेनरेट हो गए, मर गए, खत्म हो गए, एक ही बचा, एक ही को हम बोल दिया फंक्शनल, क्रियात्मक, यही काम करेगा आगे चलकर। तो इसमें माइटोसिस होता है, जब माइटोसिस होता है तो एक सेल यहां पे चली जाती है अपोजिट पोल पे, एक सेल यहां पे, तो माइटोसिस से एक दो, एक से दो बनती है, तो दो बन गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, माइटोसिस से दो बन गई और आपके पास फिर इसमें जब माइटोसिस होगा तो एक से दो बन जाएगी यहां पे भी, फिर उसके बाद आपका आएगा कितना, चार बन जाएंगे यहां, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो देखिए हमने क्या कहा, फंक्शनल जो था उसमें माइटोसिस हुआ, सूत्री समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये एन होते हैं फंक्शनल वाले, समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन जब हो गए तो क्या होगा, इसमें ये भी दो में डिवाइड कर गए, ये वाले दो में डिवाइड, एक अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, एक चले जाता है माइक्रोपाइलर इंड, एक होता चले चलाजल इंड में, उसमें कुछ सिचुएशन आती है जिससे वो अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद इस सेल में माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन हुआ, एक से दो बना, इससे भी एक से दो बना, फिर इसमें क्या होगा, इन दोनों सेल में माइटोसिस होगा फिर से, तो दो से चार, ये भी दो से चार। अब इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, तो अगर हम एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। ये क्या है, एट न्यूक्लियस सेवन सेल स्टेज है, तो देखिए कैसे बनाया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या बनाया यहां पे, ये माइक्रोपाइलर इंड है आपका, माइक्रोपाइलर इंड या चलाजल इंड है। फिर इसमें क्या होता है, अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाए तो माइक्रोपाइलर इंड आपका चले जाता है नीचे की तरफ, माइक्रोपाइलर इंड ये हो जाता है माइक्रोपाइलर इंड, और दूसरा ये आ जाता है आपके एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ओके एंटीपोडल सेल या एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं ऊपर वाले तीनों को। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आठ सेल थी, सॉरी सात सेल और एट न्यूक्लियर स्टेज आ गई थी, तो इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट जो होता है ना, तीन सेल अब एंटीपोडल की तरफ चली जाती हैं और तीन सेल आपके पास माइक्रोपाइलर इंड चली जाती है, और दो सेल कहां पर बसती है, नीचे, सॉरी दो न्यूक्लियस कहां पर बसती है, बीच में बनती है। अब देखिए अब आपके पास क्या है, यहां पे जो होती है ना, यहां पे एक फिली फॉर्म एपरेटस होता है, इन दोनों को आप सिनर्जिस्ट बोल सिनर्जिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड, सिनर्जिड, ओके। और ये आपके पास क्या है, एग सेल है, क्या है, एग सेल है, इसका प्लॉइडी एन होता है, और ये आपके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियस है यहां पे, सॉरी। तो हमने क्या देखा, एक मैच्योर माइक्रो, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, उसमें एंटीपोडल तीन सेल होती है, पोलर न्यूक्लिया इसको बोलते हैं, बीच में आ जाती है, इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है 2n होता है, और जो एग सेल है ये मोस्टली एन होती है, और सिनर्जिस्ट
तो जो फिलीफॉर्म सेल होते हैं सिनर्जिस्ट में नीचे की तरफ एक डेंस सेल डेंस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम क्या होता है, जब पॉलिनेशन होना रहता है, जब पॉलिन ट्यूब अंदर आती है, इसी के बाद हम पॉलिनेशन ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पॉलिनेशन परागण पुष्पों में। ओके, जब पॉलिन ट्यूब का निर्माण होता है तो निर्माण होकर कहां आती है, इसी फिलीफॉर्म के वजह से, मतलब फिलीफॉर्म से ही अंदर जाती है। कहने का मतलब जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये गाइड करती है किसको, पॉलिन ट्यूब को गाइड करती है। इसका काम क्या है, पॉलिन ट्यूब को गाइड करना। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन परागण। तो हम ये क्या है, आपके पास फिगर है मैच्योर फिगर शोइंग दैट मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष। ओके, तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। ओके, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो फॉर विच यू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।